आज जो मैं आपको फ्लावर बनाना सिखा रही हूँ वो सिल्क फैब्रिक की हेल्प से है। इसके लिए मैंने ये मेरे पास सेल्फ प्रिंटेड सिल्क है, ये लिए 1.5 इंच पे मैंने इस तरह से मार्क कर लिया और लेंथ में मैंने 3 इंच पे मार्क कर लिया और अब मैं इसको कट कर लूँ। इस तरह करके मैं इसमें से 5 स्ट्रिप्स कट कर लूँगी। ये देखें, अब मैं इसी को इसके ऊपर रख कर और अगली कट कर लूँगी। अब मैंने इसको, ये देखें, इस तरह के मैंने ये 5 पेटल कट कर लिए हैं। अब मैंने इसको इस तरह फोल्ड करना है। एक को मैंने अपने फेस की तरफ किया है और एक को इस तरह पीछे की तरफ फोल्ड करना है। अब मैंने इसको यहाँ पर हीट करनी है। ये देखें, ये प्रिंटेड फैब्रिक है और सिल्क है तो ये इसी तरह दोनों साइड से प्यारा लगेगा जहाँ भी हम, ये देखें, इसको मैंने, ये बहुत प्यारा 3D शेप आएगी फ्लावर की। ये देखें, अब मैं यहाँ पर दोबारा इसको हीट करूँगी। कॉटन में और नेट में इस तरह नहीं होता, लेकिन सिल्क और रेशमी कपड़े में बनाना बहुत इजी हो जाता है क्योंकि जैसे ही हम इसको हीट देते हैं ये वहीं पे डिज़ाइन सिक्योर हो जाता है। इसी तरह से मैं ये 5 के 5 रेडी करूँगी। इस तरह पहले मैंने एक पेटल को अपने फेस की तरफ किया है और एक को मैंने यूँ बैक की तरफ करके ट्राइंगल बना दिया। अब मैंने इसको ओवरलैप किया है। देखें, थोड़ा सा मैंने ये जो लाइन है इससे बाहर रखा है, थोड़ा सा, बिल्कुल हल्का सा, और दूसरे को मैंने बिल्कुल इसके ऊपर, ये देखें। अब मैं इसको हाथ से सीधा करके शेप दूंगी और यहीं पे मैं इसको लाइटर से सिक्योर कर लूँगी। हीट देने से बहुत आपको ईजी हो जाएगा, आप चाहें तो पिनअप भी कर लें, लेकिन हीट से ये बिल्कुल वहीं पे लॉक हो जाएगा। ये देखें, ये देखें, आप चाहें तो इसको 1.5 इंच का जो सिल्क मिलता है, रिबन मिलता है, उस पर भी बना लें, लेकिन मुझे इस पर बनाना इसलिए, मेरे पास ये जो फैब्रिक है ये मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये प्रिंट है, ऊपर से सिल्क है, तो मैंने ये इस पे बनाया। ये दोनों चीज़ों पे बनेगा डिज़ाइन, सेम यही डिज़ाइन आप रिबन पे भी बना सकती हैं। देखें, मैंने इस तरह से ये सारे रेडी कर लिए, ये कितने खूबसूरत बन गए। अब मैंने इसके ये 5 के 5 पेटल रेडी कर लिए, निडल में थ्रेड डाल दिया और ये मैंने एंड में नॉट लगा दी। ये डबल थ्रेड मैंने रखा है, आप भी डबल रखें अगर आपके पास धागा दूसरा है जो ज़रा मज़बूत हो, तो बेशक आप सिंगल रख लें। और इस तरह से मैं अब इसको सबको इसके अंदर स्टिच कर दूँगी। अब ये इस तरह से सारे रेडी हो गए, अब मैं इसको शेप दूँगी। ये अब मैंने इसको नॉट लगा दी। नॉट का जिस साइड पे ये है मैं इस तरफ से नॉट को अब कट कर लूँगी। यूँ फ्लावर की शेप बन के रेडी है। अब मैं इसके सेंटर में ये इस साइड से मैं बाहर कर दूँगी और अब इसके सेंटर में हम कुछ अटैच करते हैं। ये मैंने उसके सेंटर में ऐड कर दिया है, तो देखें ये बन के रेडी है। होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो लाइक करें और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।